बेडाना गांव के सारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। देखिए, धर्मवीर जी ने आपको एक शब्द बताया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। किस किस ने सुना होगा इसका नाम पहले? एक, दो, तीन, तीन लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुना हुआ है। इसका मतलब बाकी लोग नहीं जानते क्या चीज है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस बात को दो बार प्रधानमंत्री बोल चुका है अपने भाषणों में, एक बार लाल किले की प्राचीर से और एक बार संसद में। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं करी कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि, और ऐसा क्या चीज है जिसने यो कह रहा है कि वो आके रहेगा। कल की नई खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बोला कि हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन की और रशिया की, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चल रही है। इससे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत लंबे लंबे वक्तव्य दिए जा चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है, जिस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो टेलीप्रॉम्प्टर गिर गया था, खराब हो गया था, जिसमें वो आके भाषण नहीं पढ़ना आया। उसमें पूरे दुनिया के अंदर मजाक का पात्र बने थे प्रधानमंत्री के, भारत का प्रधानमंत्री सा जिसने अपने आप बोलना ही नहीं आता, शाम लिख रहा हो तो पढ़ना आवे, नहीं तो आंदा ही नहीं, देश की जनता न्यूज हो चली की तो बहुत बढ़िया भाषण देवे। उसके शाम एक तख्ती होया अगर है, तख्ती में चलता रहा अगर जोकर खबर पढ़ने वाले अखबार, ये टेलीविजन में खबर पढ़े नहीं, ये भी हमारे बुजुर्गों न्यू लगा करता, और इनको सारी बात याद है। वो कैमरा जित लाग रहा हो है ना, जो गरीबी कैमरा लाग रहा है मोबाइल का, इसके ऊपर एक तख्ती चाली जावे तो मैं उस तख्ती में तो पढ़ता रहू, देखू कैमरा ऐसा लागे जो कैमरे में देखने लाग रहा, तो सोचा कितने देख तो रहा ही नहीं। तो न्यू प्रधानमंत्री का एक उल्लेखन लाग रही है, एक उल्लेखन तो जब न्यू नमू करे न्यू नाली में तो नकल मार ले, न्यू नमू करे न्यू नाली में मार ले। वो गिर गए थे तो उस समय बेइज्जती हुई थी उसकी पूरी दुनिया में। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो दिमाग में जो कुछ हो जबान पाए जा है, तो ईसा है ये बेचारा। लेकिन मुद्दा उस आदमी के मजाक बनाने का नहीं है, मुद्दा है हमारी जिंदगी को और हमारे बच्चों की जिंदगी को जैसे मजाक बना दिया ना उसका। और मुद्दा इसका भी है कि ये मजाक अकेले इसी ने नहीं बना रखा है। जिस मर्जी स्टेट में चले जाओ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां भी यही चल रहा है, केरल के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार है वहां भी यही चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, वो आए थे राज में ये कह के मराठी मराठी मराठी, और अब मराठियों की वजह से तैसी करने लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तमिलनाडु में करने लग रही है, जिस भी सरकार जिस भी जिसकी सरकार है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कित किसकी सरकार है, सबके साथ यो एवं लाग रहा है जो मारी के लिए आओ लाग रहा। अपना प्रदेश एक अकेला प्रदेश है हरियाणा, सबसे पहले तो यहां वो रिस्ट्रिक्शन हटी, यो मुंह का छिक्के आड़ी और जो ये सर्टिफिकेट दिखाने वाली, सबसे पहले हरियाणा माटी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कौन दिखा दे भाई, स्कूल अपने आप खोलांगे भाई, अपनी मर्जी चलांगे भाई, इन्हें देख लिया भाई यू तो काम नहीं चलेगा, अगर ये ज्यादा प्रेशर के मारा तो ये फिर आके बैठ लेंगे दिल्ली, तो इन्हें चुपचाप अपने में वापस ले लिए। अब वो ले लिए तो क्या इनका यो जो खेल था यो रुक गया? अब यह बात तो जब बेरा लगेगी ना, जब अपन न्यू बेरा वो खेल के है भाई, इनका खेल रुक गया या यू कब तक चल लेगा, या यू के खेल है इसके बारे में तो जब पता चलेगा जब न्यू बेरा होगी। उस था के शुरू कब होया था, शुरू कब हुआ ये पता लगना बड़ा जरूरी है। आज जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई इन लोगों ने, जो रुकावट लगाई आज आपके ऊपर, वो किस चीज के ऊपर लगाई? वो लगाई थी बीमारी के नाम पे।
कि बाहर निकलोगे तो या तो बीमार हो जाओगे या बीमारी फैलाओगे। उसी के नाम पर डंडे मारे गए, उसी के नाम पर चलान काटे गए, उसी के नाम पर पैसे खर्च कराए गए, उसी के नाम पर दहशत फैलाई गई और उसी के नाम पर सारे हमारे लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन होया। अब वह बीमारी असली एक नकली, मेरे ख्याल से इस बात का सबूत किसान आंदोलन से बड़ा नहीं हो सकता। लाखों आदमी बैठे रहे और यह बात तो आईएमए के डॉक्टरों ने मेरे इंटरव्यू के दौरान भी बोली कि भाई जो गांव का आदमी है ना उसकी इम्यूनिटी ज्यादा हो है, और जद्दू मैं बैठे साफ हवा में बैठे खान पान ठीक रखे फिर कौन बीमार होता, यह बात तुमने भी माननी। तो फिर तुम इस बात का प्रचार क्यों नहीं करते भाई, तुम खान खाई के टिक्के लाने का प्रचार क्यों करो हो? और जो आदमी ठीक ठाक है, जिस आदमी का कोई तकलीफ होगी वो तो डॉक्टर तो अपने आप जाओगा, पर जो ठीक ठाक है उसके भी तुम धक्के तो ठोकन लाग रहे। और फिर अगला आदमी जनू पूछ ले भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं, तो न्यू कह हाँ नुकसान भी उसके है। ना सुरक्षित है ये तो जबान नहीं बतावे, लिखित में तो रखा कि नुकसान हो सके, लिखित में तो है जी, लिखित में नुकसान हो सके। और न्यू पूछे कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बोला कोई नहीं, अब जिम्मेदार कौन, अब तू अपने आप, अब मैं क्यों, अब हमने के धक्का करा था तू अपने आप लुवाओ ना, हम तो कहा हम तो कौन लुवा दे, अब ठीक है मत लुवावे, अच्छा फिर कोई दिक्कत तो नहीं, बोला दिक्कत के है फिर सारी पिलसन रोक लेंगे, फिर तुमने डीसी दफ्तर नहीं जान देंगे, फिर तुमने बस में नहीं जान देंगे, थारे बच्चे ने स्कूल में नहीं जान देंगे, फार्म नहीं बन देंगे, यो नहीं गण देंगे, वो नहीं गण देंगे, फिर भाई लगवाना पड़ेगा, लगवाए पक्षे साइड इफेक्ट हो जाए तो जिम्मेदार हम। इसीलिए लड़ाई शुरू करी थी। इस प्रकरण में एक बात थोड़ी सी बड़ी आया होगी कि लोग बात में सुनन लाग गए, लोगों ने जब यह बात समझ में आई कि यह षड्यंत्र या बीमारी के नाम पर जो चल रहा था खेल यो भी खेल था, तो इब जो दूसरी चीजा गिल जोड़ के बतावा तो इब समझ में आवे है, इब इस बात ने पूरी ने समझो एक बार खेल के है फिर थोड़ा समझ में आओगे बढ़िया। यहां मेरे ख्याल से सबसे बुजुर्ग हमारे ताऊ कौन है अरे वो उड़े बैठे हैं वह लागे मने, आप भी बुजुर्ग हैं, कैसे साल उम्र हुई ताऊ? 77 साल की उम्र है। आज से 40 साल पहले का दौर याद करो, 1980 के टाइम पे, 1980 में गांव बिरडाना में सरकारी अस्पताल था, 82 में नींव रखी गई थी, 80 में नहीं था, डांगरा का अस्पताल नहीं था। अच्छा एक बात समझने की है गौर करने की, गांव में 1980 तक 81 तक 82 तक अस्पताल नहीं था, 82 में अस्पताल बना। इसका मतलब क्या है समझो कि अगर किसी गांव में अस्पताल नहीं है इसका मतलब उस गांव में बीमारी नहीं है, अस्पताल ना होने का मतलब बीमारी ना होना है, और अस्पताल बनने लगा था इसका मतलब बीमारी होने लग गई थी। मैं बीमारी क्यों करो लग गई थी, आज से बीमार हुआ हां पा बल्ले तो थोड़े साल पहले तनु क्या करते भाई 60-65 साल के क्या हार्ट अटैक हो जावे तनु बाबा हो जा कर, फिर 45-50 का होने लग गया, ई बापा नु कहने लग गए बोला रही तो 30 साल क्या का होने लग गया हार्ट अटैक कवा बालका के 2-2 साल के बच्चा के टाइप 1 डायबिटीज मिला है, शुगर की बीमारी मिला है, ब्रेन हेमरेज होने लग गए है। अच्छा वो जब पूछा उनते जब कितने आप बैठोगे कब बैठोगे या फर्श में बैठोगे या कितने बैठक में, तो वहां चर्चा चलेगी कि भाई ये बड़का का हार्ट अटैक होने लग गए, तो एक चीज जो सारे के मुंह पे सबकी जबान पर आवा के आवे है कि के करा भाई खाना पीना ऐसा हो गया, क्यों जी? एक लाइन जो सारा समाज बोलता है कि खाना पीना ऐसा हो गया। अच्छा यह बात मैं कती 1% भी झूठ नहीं है, लेकिन वो खाना पीना जब अपन बेरा है कि खाना पीना खराब हो रहा है
फिर आप खाना पीना ठीक करके अपने बालकों को बचाते क्यों नहीं? सोचने की बात है। तो क्या आप अपने बालकों ने अपने आप तक कुछ गलत चीज खुआने की कोशिश करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपके बालक बीमार क्यों हुए हैं? क्योंकि जो आप खा रहे हो ना, वह चीज कितनी बढ़िया दिखती हो, उसका जो बीज है ना, उस बीज में दे रखी है आपको बीमारी। आप कितना जोर ला लो, या चीज अगर आप जिस पैथी की आप दवाई खाते हो ना, एलोपैथी की, जो ये डॉक्टर जिन जोन से अस्पताल बन रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पताल हैं, या एलोपैथी तो 300 साल पुरानी है सिर्फ। तो 300 साल तक पहले आप बीमार कैसे होया करते? बीमारी की अपनी टाइप होती है। जो आदमी जिस इलाके में रहता है, उस इलाके के मौसम में जब बदलाव आता है, उस बदलाव के हिसाब से उसको बीमारी होती है। और उसके आसपास, उसके खेतों में या उसके गांव के आसपास ऐसी जड़ी बूटियां होती है कि वहीं से इलाज भी हो जाता है। आप देखोगे, जिस 40 साल पहले की बात मैंने आपसे पूछी थी, था उस टाइम पर हमारी माया पर, हमारी दादियां पर सारी बीमारियां का इलाज रसोई में होया करता। रसोई में नहीं पाओ तो गितवाड़े में होया करता, जिन्हें बाड़ा कह दिया करें, और वहां नहीं होता तो खेत में तो पक्का पाया करता, गांव के बाहर कितने न कितने जंगल में। इसका मतलब यह है कि जो बीमारी अमेरिका में है वह बीमारी भारत में नहीं होगी, और जो बीमारी भारत में है वह बीमारी राजस्थान, भारत में भी हरियाणा में जो बीमारी होगी, राजस्थान का आदमी वैसा बीमार कदे नहीं होगा, क्योंकि वहां तो मतलब खुली हवा, रेत, वहां तो रेतीला मैदान है, हमारे यहां तो नमी भी है, वहां के मौसम के टाइप अलग है। तो जो हिमाचल का आदमी है, और जो साउथ में केरला का आदमी है, और जो गुजरात का आदमी है, जो राजस्थान का, हरियाणा का, ये सारे अलग टाइप के तो बीमार होंगे, और इन बीमारी का इलाज उनका लोकल मिलेगा। अगर बीमारी का इलाज कितने बार तारा है, इसका मतलब बीमारी भी बार तारी है। यह समझने की बात है। अब यह बीमारी आई कुर, या बीमारी आई सबसे पहले हरित क्रांति के नाम पे गांव के जमींदार को सबसे पहले हाइब्रिड बीज दिए गए, क्योंकि जिस टाइम पे दुनिया के सबसे खाद आदमियों ने, सबसे बड़े आदमियों ने, अमरियों ने यह सोचा कि यार भारत में तो लोग बीमारे कौन होंगे, दूध घी का खाना खाओ है मेरे बेटे, कुश्ती मारे हैं, खेल रहे हैं, कबड्डी खेत में सब दिन काम करे जावे, दबा के तो मीठा खाया करते, दबा के घी पिया करते, दबा के दूध पिया करते, और काम कितना ही करवा लो, कोई दिक्कत कौन थी ना, किसी किस्म की समस्या थी। या चीज उस बड़े माफिया को लगा कि यार आदमी कंट्रोल करना हो तो उसका शरीर और उसका दिमाग कंट्रोल कर लो, आदमी कंट्रोल हो जावे, और हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, ये तो दो स्टेट ही से रहे हैं, तो कंट्रोल हो गए कौन किसी पर, ये तो मौत पे भी मजाक कर लिया अगर इसे एंडी छोरे हैं, ये तो किसी भी चीज पे मजाक कर लेंगे, तो हर चीज में मजाक चल लग रहा है। तो अब इन आदमियों को काबू करने के लिए इन आदमियों को बीमार करना जरूरी था, और बीमारियां हुए नहीं क्योंकि खावे को नहीं कुछ भी, घर तक ना रहा, तो इनके घर तक बीमारी ले जाने का तरीके, इनके घर तक ही घर घर बीज दिए, इनके फ्री में, फ्री में बीज दिए, फ्री में खाद दिए, सॉरी, फ्री में पेस्टिसाइड दिए, और ये कहा कि ये वाली फसल बोओगे तो तुमको ज्यादा कीमत मिलेगी। जमींदार ने बोना शुरू कर दिया, 70-71 की बात होगी जब बोना शुरू करा था, और उसके बाद वो जो उन बीजों से जब खाना बनाया, खाना खाना शुरू करा, तो आदमियों के बीमारी होनी स्टार्ट हुई। अब आज का खेल, अगर मैं आज की सिचुएशन आपसे पूछूं, आज का तो मेरे ख्याल से यो हाल होगा कि खेत में जो बीज लियाओ हो, गेवा का, जीरी का, ज्वार का, बाजरे का, क्या है का भी, जो बीमारी पिछले साल हुई थी, अगले साल वाले बीमारी तो नहीं होती होगी खेत में, क्यों जी?
अगले साल नई बीमारी हुए है, अगले साल नई बीमारी हुए है। पहले तो क्या होता था, मारे अपने ओरिजिनल बीज होया करते, जो जो साफ बीज होया करता उसने झरना मार के निकाल लिया करते और बढ़िया बढ़िया फिर बो दिया करते, फिर भुग जाया करता। ईब तो जो बाजार से आवे है वो बीमारी अपनी गेल लेकर आवे है। अगर वो बीमारी अपनी गेल लेकर आवे है फसल, तो जब आपा खावांगे तो आपा ठीक रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने बच्चों को वही तो खिलाने लग रहे, हम जो बच्चा हमारी नए नए हमारे बालक की शादी हुई है तो जब वो बच्चा पैदा करेगा उसके बीच में बीमारी अपन दे दी, क्यों जी? बीज में बीमारी, असल तो बीज में बीमारी देने की है ना, वहां से शुरू, खेत में बीज में बीमारी दी थी, फिर डांगर भी वाए खावे हैं, फिर मानस भी वाए खावे हैं। इन क्या हाल हो गया कि 100% बीज सारी फसलों का बाजार से आता है, आता है जी बाजार से। 80% बीज डांगरा का भी बाजार से आवे, अपना जो पशुधन है बाजार से आवे सारा बीज, और लगभग 30-40% बीज मनसा का भी बाजार में आवे। आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं आपके, रतियाम भी खुला पाओगा पक्का, बुनाम भी खुला पाओगा, फतियाबाद में तो निवे निवेरा कितने पाओगे जिले के लेवल पर तो, और आज से 10 साल पहले एक भी नहीं आया करता आसपास। ईब 10-10 कैसे खुल रहे हैं एक शहर में, और सारा पे भीड़ लगी पाओगी जाके देख लोगे तो, यानी कि बीज है ही नहीं, बचे ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो खेती वाले बीज का होया, अगर आप ऐसे रात चाल दे रहे तो वो मनसाड़े बीज का होगा, रोक नहीं सकते आप। अगर आपके समझ में नहीं आई तो आप रोक नहीं पाओगे, समझ में आ गई तो आप अगली पीढ़ियां बचा लोगे। पुराना नुकसान जुनसा होगा उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे बचा लोगे अगर समझ में आ गई तो। अब यो पता लग गया, अब आपको जो खेल समझना है वो यह समझना है कि जिस आदमी ने अपने को बीज दिए थे सबसे पहले 70 के दशक में, वो कौन था पता है आपको? ना बिल गेट्स तो किता, 50 साल पहले बिल गेट्स तो छोटा बालक होगा। जो हरित क्रांति थी उसको फंडिंग देने वाली जो संस्था थी उसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर। ये नाम याद रखना पड़ेगा ताऊ आप लोगों ने, ये वो नाम है जो मैं 2-3 नाम बताऊंगा आज के टाइम के, एक बिल गेट्स, एक रॉकफेलर, एक रॉथशाइल्ड, एक एलन मस्क, और फिर Fortune 500। ये 4 Fortune 500 के जो से बड़े घाग हैं अपने भारत में, ये रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, नंदन नीलकेणी, नारायण मूर्ति, अंबानी, अडानी, बिरला, ये सब उसके मेंबर हैं जिसको Fortune 500 बोलते हैं। लेकिन जो मोटे नाम जो मैंने आपको बताए, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये 4 बड़े नाम आज के टाइम पर फेस बने हुए, चेहरा बने हुए हैं। और ये 4 ऐसे नाम हैं दुनिया में जो भी आदमी इनके खिलाफ बोला वो आदमी टोया नहीं पाया। इनके खिलाफ जिस टाइम पर जॉन एफ कैनेडी ने बोला, जो इस टाइम रॉबर्ट एफ कैनेडी का चाचा था, जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पर अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हीं लोगों के खिलाफ मिशन चालू किया था, उनका नहीं पता लगा आज तक किसने मारा। भाई राजीव दीक्षित ने इन्हीं लोगों के खिलाफ बोला था, उसका नहीं पता लगा आज तक किसने मारा। 2012 में बाबा रामदेव भी इनके खिलाफ बोला था एक बार, आज से 10 साल पहले कांग्रेस के राज में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी उन्हीं की कठपुतली है, बीजेपी की सरकार भी उन्हीं की कठपुतली है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी उनकी कठपुतली है, चौटाला भी उनके कठपुतली है, उड्डा भी उनकी कठपुतली है, भजनलाल भी उनके इशारे पर काम करा करता, बंसीलाल भी, चन्नी भी उनके इशारे पर करा करता, अपना वरिंदर भी, न्यूनतम ममता बनर्जी भी, उद्धव ठाकरे भी, यो अखिलेश यादव भी करा करता, भी होगी भी। मेरा कहने का मतलब यो है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से काम करता हो, उन्हीं के इशारे पे काम करता है, जो नहीं करता उसको रगड़ दिया जाता है।
इसलिए मैंने बताया कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, बाबा रामदेव ने भी बोलना शुरू किया था, और जब रामदेव ने बोलना शुरू किया था तो आप देख लो सलवार पर कपड़ा चटाया था। उन्हें दोबारा बोला, पिछले 10 साल में सांस भी नहीं काटा उन आदमी का नाम नहीं लिया उसने अपनी जबान से, लेकिन वह वीडियो भी पड़ी है। कागज लेके आया करता हमके खिलाफ, कागज ही हमने पढ़े तो हमारे भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। भाइयों तो खेल इतना लंबा चल रहा है, कैसे बचांगे? दो रास्ते नजर आए थे भाई, या तो गड़गड़ के मर लो, जो इनका रास्ता है, जो इन षड्यंत्र रच रखा है उसके खिलाफ बोले बिना तो गड़ के मरांगे। दूसरा रास्ता यह है कि लड़ के मरांगे, तो आपने दूसरे वाला थोड़ा सा ठीक लग गया, क्योंकि मरना तो है। आप लोगों ने जिस जिस भी गांव वाले ने इनका यू अमृत प्याला पी लिया है उनके शरीर में ईब असर दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। जिनका हो लिया है कुछ लोगों के, तो कुछ लोगों के आने वाले टाइम में दिख जाएगा। जुन जुन बूस्टर लेते रहोगे उनका थोड़ा और पता चलता जाओगा, जुन चौथे नंबर पाओगे जब वाले होंगे कुछ पता तब चलता रहोगा, और एक टाइम ऐसा होगा जो इनने प्लान कर रखा है 2030 तक सारे बीज कंट्रोल करने का। 2030 तक अगले 8 साल में, 20 में चालू हुआ था, 10 साल का प्रोजेक्ट था यो इनका, ये 10 साल का फाइनल था इनका, ग्रैंड फिनाले का तो नमटा का छोटांगे सबने। ये चल रहा है कब से देखो आप, 50 साल इंतजार किया इन लोगों ने, खेती में खेती खराब करके 50 साल इंतजार किया है हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए। हम लोग सारे मिलकर काम करा करते, सारी जात जितनी थी, हमारा चमार ने अगर चमड़े का काम करना हो, हमारे नाई ने जो काम करने आया करते, हमारे लुहार ने, हमारे कुमार ने जो कुछ करना आया करता, जो हमारे मिनती आया करते, सारे आपस में अपना रोटी गेल जुड़ रहे थे, फालतू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वह रोटी सारी जमीन गेल जुड़ रही थी, ठीक है जी, अपने डांगरा का न्यार और अपना अनाज सारा काम करे जाओ और मिले जाओ, फालतू टेंशन नहीं थी। इनने सारे के सारे तबके पैसे के साथ जोड़े, और आज हालत यह होगी कि आप रुपये जोड़े जावा हाँ, रुपये जोड़े जावा हाँ, और जब कोई न्यू पूछे रुपये क्यों जोड़ो हो, पैसे क्यों बचत के, अब थोड़े पैसे बचा लें, अब क्या तो बचाओ हो, अब आरी बीमारी खातर, आरी बीमारी मतलब आप पैसे जोड़ के और फिर आखिर महीने का पूछ जो हो किससे, जिसने अपने को बीज देने शुरू करे थे वो थी रॉकफेलर फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन, याद रखना जरूरी, स्कूल के मास्टर की तरह याद करना पड़ेगा आपने, क्योंकि अगर मैं एकला बोलता रहा ना, अगर मैं एकला बोलता रहा तो मैं गणेदन कौन बचूं, अगर आप लोग भी बोलने लाग जाओगे तो मैं बच सकूं, जन्नू मेरा लाग जाओगा, इतना दुनिया ने एक साथ खत्म नहीं कर सकते, तो आपका वही याद होनी चाहिए उनके नाम, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। रॉकफेलर ऐसा नाम है जो आपकी नशा में जहर घोल रहा है शुरू तले का पहले दिन तक। क्यों, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हर इलाके की बीमारी अलग, तो हर इलाके का इलाज अलग, हर कम्युनिटी की, हर कबीले की चिकित्सा पद्धति अलग होती है। लेकिन 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा, फ्लेक्सनर कमीशन बोलते हैं उसको, 1910 में उस फ्लेक्सनर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और अपनी रिपोर्ट में उसने बोला कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, मतलब एक जैसा इलाज होना चाहिए। अरे भाई बोले आदमी, जब एक जैसी बीमारी नहीं होती तो एक जैसी इलाज क्यों। लेकिन उनके मालिका ने सोचा, अब फिर जब एक जैसा इलाज करना तो पहले मैं एक जैसी बीमारी को दे दिया, तो फिर ये बीमारियां हमको दी गई जो हमारे कदे नहीं हुई थी। जिस प्रदेश का खाना है दूध और घी था, ई बाप को वो बीमारियां दे रखी, डॉक्टर दौड़ा जाओ तो सबसे पहले वो खाना छुड़वा हुआ है, घी छोड़ दे बला वो छोड़ दे, आप तो शक्कर बना करते, गुड़ बना, रोटी कौन खाना करते, मीठे बना दो, अरे क्या बोला ना, मीठा नहीं खाना, अरे घी नहीं खाना, अरे दूध नहीं पीना, और जीना क्यों कर भाई, असली चीज तो खानी नहीं। अब यह जो फ्लेक्सनर कमीशन था, उस कमीशन की फंडिंग किसने करी थी, रॉकफेलर ने। रॉकफेलर न्यू है
जो गरेरू बुला रहा है, बलारा का बाबू भी बुला रहा, उका दादा भी बुला रहा, न्यू बलारा फैमिली रॉकफेलर या फैमिली है, ये जो मैं बोल रहा हूँ रॉकफेलर फाउंडेशन, ये रॉकफेलर फैमिली है, पूरा परिवार है जो पूरा कंट्रोल रखता है किस किस चीज के ऊपर। सबसे पहले इनका नियम बनाया इन्होंने कि अगर दुनिया के ऊपर काबू करना है, अगर पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करना है तो तेल के ऊपर कब्जा कर लो। इराक और ईरान में जब युद्ध हुआ, जब उनके ऊपर आक्रमण किया अमेरिका ने, उसका कारण था वहां के तेल के कुओं पे कब्जा करना। उसका कारण यह कौन था कि सद्दाम हुसैन कोई तानाशाह था, सद्दाम हुसैन इनके हिसाब तक उनचल था, क्यों मारे वाला ना मानना इनका कठपुतली ना बने तो मारे वाले कभी अपने भी वही बनाए युद्ध हो है। इन्हें बेरा लग जाएगा भाई उन्हें काबू आवे। अब उस अब्राहम फ्लेक्सनर ने ये रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। उसके बाद 1948 में WHO का गठन होया, पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति लाने के लिए। जहां जहां वो बीमारियां नहीं थी वहां ऐसे बीज दिए गए, वो बीमारियां के टिक्के लाके वो बीज दिए गए कि इनके भी बीमारी हो उस पॉपुलेशन के भी, और ये बोन लागी आराम से सबका ओन लागी, हमारे खेत के बीज भी बांध हो रहे और बाकी सबके बीज बांध हो रहे, ये भी वो काम होने लग गया। अब पता लगा है, अगर थोड़ा गहराई में जाओगे, जो तेल के कुएं थे उन पर कब्जा किसका, रॉकफेलर का। तेल के कुएं सफाई करने के बाद, जब तेल की सफाई होने के बाद जो केमिकल बचता है उससे पेस्टिसाइड बनता है हमारे खेतों में डलने के लिए, उस पेस्टिसाइड माफिया का मालिक वो है रॉकफेलर। उसके बाद वो केमिकल जो बचेगा उससे दवाइयां बनेंगी, जिनको आप दवाइयां कहते हैं, इस ड्रग माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। यानी कि आप गांव, आप खेत में ट्रैक्टर चलाओ, आप पेस्टिसाइड गेरो, आप बीमार होकर दवाई खाओ, सारा पैसा रॉकफेलर पे बस जा रहा है। उसके बाद अगला नंबर आ गया, दूसरा नाम बिल गेट्स। टेक्नोलॉजी के नाम पे जितने भी आपके मोबाइल में एंड्रॉइड हैं, जितना भी आपके मोबाइल में, जितने कंप्यूटर में विंडो है, उसका मालिक बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने खेल रचा बढ़िया कि भाई बीज तो खत्म कर देंगे आप, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बिना बीमारी वाला अगर कुछ मतलब आपने फसल चाहिएगी तो वो बीज तो चाहिएगे। तो जो ओरिजिनल बीज थे दुनिया में, जितने भी पेड़े थे, जितने भी फसल थी, उन सारी फसलों और पेड़ों के बीज उस बंदे ने पेटेंट करा के अपने रख लिए। नॉर्वे के अंदर एक वॉल्ट बनाया, वॉल्ट मतलब एक तिजोरी, बीज की तिजोरी, उसका नाम रखा स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, उस तिजोरी का नाम सीड वॉल्ट मतलब बीज की तिजोरी। 3.5 लाख बीज वहां रखे हुए हैं कि जब मानवता का विनाश हो जाएगा फिर काम आओगे। मानव जब सारे खत्म हो लेंगे, जब आप इन्हें काम में ले आओगे, वो यो कह रहा है कि जब सारी दुनिया तक जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में काम आओगे। और बीज अपने पास है नहीं, ई बापा जो नए पेटे लावा हाँ, चाहे वो सफेदे का हो, चाहे फसल का हो, चाहे कोई और खान का हो, वो सारे के सारे हाइब्रिड बीज है, GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो खा के वही होना है जो अब तक होता आया है। अब उसका मालिक बिल गेट्स। जो आपको ये अमृत प्याला पियाया जा रहा है, मैं इसको अमृत प्याला इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो उठ जाती है, मतलब तो समझ रहे होगे ना, पहली डोज जिसकी है, दूसरी डोज जिसकी है, इस अमृत प्याले के केमिकल का पेटेंट भी बिल गेट्स। और वो बिल गेट्स ये कहता है, वो ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर 75% आबादी खाम खाई खान खान की है, उसको धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। गरीब जो ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, जिसने HIV की खोज करी थी, जो वायरोलॉजिस्ट था, नोबेल प्राइज मिला उसको, उस आदमी ने यह कहा कि जिनने बूस्टर ले लिया है, जिनने तीसरी खुराक ले ली है, वो अपना एड्स चेक करवा लियो जरूर,
या बात उसने बोली उसके बोलने के एक हफ्ते बाद आदमी मर लिया हो, क्योंकि इनकी पोल खोलन लग गया था। कड़े कड़े से बतावा, बीज इनके काबू में, खेत इनके काबू में, जमीन इनके काबू में, रह गया पैसा थोड़ा बहुत। पैसा कहां चलता है? अपना बैंक में। बैंक कहां से आता है पैसा? नुका कर बोला वर्ल्ड बैंक थे। वर्ल्ड बैंक का पैसा किसका है? वो तीसरा नाम जो मैं लेऊं था, रॉथचाइल्ड, रॉथचाइल्ड फैमिली, वो बैंकिंग को संभालता है, उसने पूरा कब्जा उस पर कर रखा है। अब ये बैंकिंग, बीज, बीमारी, इलाज, खेत और सारी चीज इकट्ठी करके आपको काबू करना कितना मुश्किल है। फिर मान लो आपको काबू करना है, आपको अपने हिसाब से चलाना है, तो केक के काबू करना पड़ेगा, आपकी रोटी काबू कर लो, आपका पानी काबू कर लो, आपकी जमीन काबू कर लो, आपका राशन के साथ हो जो जो जो, जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है वह काबू कर लोगे तो फिर तो काबू हो आप, फिर तो उनके साथ चलोगे। रोटी काबू कब रहोगी? जब तक आपके पास जमीन रहेगी तब तक आप अपनी रोटी खा सकते हो, लेकिन जब बीज नहीं होगा तो रोटी कितने खाओगे? इन तो आपका बीज तो अगले साल बीज बो नहीं सकते, बाजार से लेना पड़ता है, बाजार में तो अगले ने अपने बीज खा लिए फिर दे दोगे क्यों जी? समझे बात? और उसने यूं कह दिया कि मेरा बीज है, मैं कौन बंदा? और वो ये कहता है कि बीज का कानून लग रहा है, आने वाले टाइम में अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि उसके खेत में जो बीज बोरा गया वो कहां से लाया तो जेल होगी। इसका मतलब बीज सीड का जो लो आ गया, सीड बिल जो है वो यू कहन लग रहा। अच्छा जी, पानी पहला तो घर घर नलके हो जाया करते, मार दो कुए होया करते, जोड़ भी होया करते, जीतापा नदी और जोड़ होया करते, जीतापा अपने डंगरन भी पा लिया करते, अपना लत्ते लुत्ते भी धो लिया करते, जरूरत का सामान था। इनमें के करा वो चीजें बर्बाद करी गई, कुएं बर्बाद करे, जोड़ बर्बाद करे, उसके बाद नलके भी खत्म कर दिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे यूकलिप्टस दिए जो सफेदा आज के टाइम पर आ रहा है, सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो इतना पानी खींचता है कि आपके जमीन का अंडरग्राउंड वाटर को लेवल को नीचे लेके जाता है, तो ये पानी आता ही नहीं। अब आपके पास पानी आता है टंकी का पानी, सिर्फ पीने के लिए आपको वाटर सप्लाई आती है, इसका मतलब वायु उनके काबू में है। फिर आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है, सरकारी स्कूल में पैसा किसका आ रहा? एसएससी का, एसएससी का पैसा मतलब वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मतलब उन्हें का। ईवीएम भी बिकने वाली हैं, स्कूल भी के रह गया, फिर रोटी होगी, पानी होगी, ये बह गए डांगर। मैं एक एक बात बताना रहा, मॉडल एपीएल में टाया हुआ है 2017 का नोटिफिकेशन, अब तक आपके ऊपर लागू नहीं करा उन लोगों ने, एनफोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो रगड़ा सारे जने सरकार का रगड़ा ला दोगे, चुपचाप बैठे हैं कि जीभ लगाना होगा जीभ ठोक देंगे। मॉडल एपीएल में पीए कहता है दो तक फालतू डांगर रखोगे तो कमर्शियल लेना पड़ेगा यो कनेक्शन बिजली का, दो तक फालतू डांगर नहीं रख सकते। और जो डांगर, जो जो पशु, जो बैल किसान का सबसे बढ़िया साथी है अगर दा सुख दुख का, उस बैल को उन्होंने वन्य प्राणी बना दिया, जब किसान घर में बांधेगा तो भी जेल होगी। इब रह गए रोटी बनाने खातर लाकड़ी गोसे, फल फ्रूटी से आगे वो भी उन्हें के बीज के आवे हैं, लाकड़ी गोसे किसान के ऊपर पराली जलाने के नाम पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना।